हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। जय माँ काली। तो आज हम लोग जा रहे हैं विष्णु के घर, जो कि हमारे कॉलेज का फ्रेंड है, और उसके घर से जाएंगे हम लोग पावागढ़। और पावागढ़ जाने के बीच हम लोग जो कुछ भी हुआ वो सब चीज़ आपको बताएंगे। हम 8:30 बजे हमने ये ब्लॉग शुरू किया है। अभी मुझे नहीं मालूम कि कितने दिन में ख़त्म होगा, लेकिन मज़ा तो बहुत आएगा। तो चलिए चलते हैं। तो मैं अपने CVZ से विष्णु के घर तक जा रहा हूँ, उसके बाद मैं लग्जरी ले लूँगा वहाँ से। तो अभी चले शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं सीधे आपको विष्णु के घर के पास ही दिखाऊंगा। A few moments later. So दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे वीडियो शूटिंग नहीं करूँगा यार, डर लगता है। तो ये है मंदिर का पंडाल, वो पंडाल कहते हैं। और ये यहाँ पे अभी लोगों के बैठने की व्यवस्था। और वो रही हमारी गाड़ी यहाँ पे, ये रही बीच में। दोस्तों बाद में बात करेंगे अभी। दोस्तों आज हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आज रात को निकलेंगे पावागढ़ के लिए, लेकिन उससे पहले हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये दिख रहा है ना आपको, इसने मेरे को रंग दिया, पूरा रंग दिया। देखो ये पीछे से भी अभी भी निकल रहा है, देखो ये लंबा। तो दोस्तों अभी हमारे भाई बताएंगे कि ये क्या करने वाले है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे वो सारा प्रोसेस बताइए। यहाँ पे नवरात्रि के 9 दिन आके उसकी पूजा करने के बाद उसको माटली को विसर्जन करने के लिए साइड में आ जाओ थोड़ा, विसर्जन करने के लिए हमारे यहाँ। ओके, माटली को 9 दिन के गरबे की माटली को विसर्जन करने के लिए। तो अभी आ चुकी है विष्णु भाई की गाड़ी, विष्णु के पापा की गाड़ी, सॉरी। तो दोस्तों अभी बाद में दिखाएंगे। बस तो ना यार बदला पूरा सर्टनी बैंड होगा दीदी तो मेरे को तो ना। 6.5 hours later. सो दोस्तों फाइनली ये बस आ चुकी है, अभी इसी के अंदर जाएंगे हम लोग। तो दोस्तों ये नाइट का शो, यहाँ पे मंदिर का नाइट का व्यू, नाइट व्यू आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे है माँ काली बीचों बीच, और ये यहाँ पे स्तंभ है जहाँ पे ध्वजा लहराती है उनकी, और ये गाड़ी है जिसमें अभी हम लोग जाएंगे। फ्लैशलाइट ओके। ड्राइवर तो ड्राइवर है भाई।
रात के 9 बजे अभी, परफेक्टली 9 बजे है अभी। अभी पता नहीं कितने बजे निकलेंगे, लेकिन 9 बजे है। कारों में जाए तो दोस्तों फाइनली हम लोग 4 बजे यहाँ पे लैंड कर चुके हैं और पब्लिक यहाँ पे बहुत अच्छी हुई है, काफ़ी सारे लोग आए हैं और वहाँ पे कुछ लाइटें आपको दिख रही होगी, वहाँ पे वही है पावागढ़ का पर्वत, वहीं पे है मंदिर। अभी ये पूरा पहाड़ हमको सीढ़ियों के ऊपर से चल के जाना है, यानी कि पहाड़ के ऊपर चल के चढ़ना है ऐसा। कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ का जो वर्क है वो कम्प्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अभी खाना बनाना पड़ेगा, चढ़ने के बाद नीचे आएगा तो कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो एनर्जी नहीं रहेगी। अभी खाने के लिए पानी का ये इंतजाम करते हैं हम लोग, चलिए ये हमारी बस है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये अभी पानी गर्म करने के लिए रखा है और अभी सब्जी बनाएगी इसके अंदर। तो दोस्तों ये दोपहर का खाना है, मेरे को लगा अभी खाएंगे हम लोग। और सामने आप लोग देख सकते हैं श्री महादेव जी का शिवलिंग है। हे गाइस, अब रौनक की जगह हम लेंगे, ये हमारा रौनक भाई है जिससे कुछ पैसों के लिए अपने आप को बेच चुका है, है? हम पावागढ़ चढ़ने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर के बाद। हे गाइस, अब हम आ चुके हैं पावागढ़ के बस स्टॉप पे, यहाँ से हम मंदिर जाने के लिए बस का इस्तेमाल करेंगे, बस का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आगे आपको बताते रहेंगे। ये हमारे रौनक भाई है जिसकी तबीयत के साथ साथ ईमान भी बीत चुका है। અમારા રોનક ભાઈ ને હેલો કરો, હેલો। આજે વિડિયો બનાવવાનું નિખિલ કુમાર આવ્યા છે, જેને ચોડાવવાની બહુ કોશિશ કરે આ રોનક ભાઈ, એ અમારે સબસે પરમ મિત્ર વિષ્ણુ ભાઈ, જો આપના ચહેરા કભી મત નહીં દિખાતે, કિસી લડકી કો નહીં દિખાતે। आज हम पावागढ़ चढ़ेंगे, आगे का वीडियो आता रहेगा। ये हमारी माता जी का मंदिर, छोटा सा मंदिर अभी बनाया है, हम वहाँ जाने वाले हैं, इतने ऊपर हम लोग को चढ़ना पड़ेगा, जिसके भाई थोड़ा टेंशन में है, इनको तो कुछ नहीं पता चल रहा है, हम तो इनको लेके चलेंगे, इनको खींच कर मुझे ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी मेरी तबीयत जो है हाल फिलहाल अच्छी नहीं चल रही है, तो निखिल भाई अभी ब्लॉगिंग करेंगे और इनका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखते हैं वो कैसे बनाते हैं, सही है ना? Hey guys, यहाँ से हम चलेंगे पावागढ़ के जीने पे, इस साइड है हमारे रोप वे, जिसे हिंदी में हवाई क्या कहते हैं उसको रौनक भाई, हवाई अड्डा, हाँ हवाई अड्डा, जिसे सिर्फ चलते ही जाए डायरेक्ट पहुँच जाते हैं, आधे तक तो पहुँचते हैं, वो तो आपको मैं बाद में बताऊँगा कहाँ पहुँचेंगे। इसके बाद ये रहा फर्स्ट दरवाज़ा जो पावागढ़ का, तो यहाँ से हम एंटर करेंगे और यहाँ हमारी टीम जो हमारे साथ चलेगी। हे गाइस, ये हमारा फर्स्ट मंदिर रणछोड़, जो गुजरात में पावागढ़ के मंदिर के पहले ही मिलेगा मंदिर, जिसको आप आना जरूर। हे गाइस, ये हम सिर्फ 300 सीढ़ी चढ़ेंगे और हमें यहाँ से घर दिख गया, यहाँ से उड़न खटोला चालू होता है, उसका समय कितना है विष्णु भाई? सुबह 7 बजे चालू शुरू होगा, शाम को 7:30-8 बजे वो सीधा आधे तक ले जाते हैं हमको,
हमारे रौनक भाई कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण इस बार हम पहली बार बना रहे हैं, इसलिए हमको कुछ गलती होगी। जब भी बोलो तो कैमरे की ओर देख के बोलो, यहाँ पे नहीं, हम आई कांटेक्ट होना चाहिए तो ऑडियंस से कनेक्ट हो पाओगे, वरना तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगली बार देखेंगे। हे भाई, यहाँ हम आ चुके हैं, ये हमारा पहला गेट, और ये तो क्या विष्णु भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो मठ है, ये मठ है, जैन डेरा है, इसको जैन लोगों का होता है, इस पर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको बताना जरूरी था इसलिए हम बता चुके हैं, मठ है ये। हमारे साथ हमारी टीम चल रही है फुल, जिसको कुछ नहीं बता सकते। अब हम रौनक भाई से पूछते हैं उसका क्या रिएक्शन है चढ़ते हुए, बताइए। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, क्योंकि मैं जब आया नहीं था तब मेरे को सर दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन अभी चलते चलते इतनी शक्ति आ गई है कि अभी सर दर्द गायब हो चुका है। बस आगे हम बताएंगे, अभी से ब्लॉगिंग कंटिन्यूसली मैं करूँगा, अभी निखिल भाई संन्यास लेंगे, संन्यास को हम तो छोड़ दिए, अब जल्दी ही कुछ नया लाएंगे। तो देवी से ये हमारे रौनक भाई बिल्कुल थक चुके हैं, और ये विष्णु भाई अकेले अकेले जूस पीकर भी आए, हम लोग सिर्फ चलते आ रहे हैं। हम अभी तक हम लोग 70 जीना चढ़ चुके हैं। विष्णु भाई इसको क्या कहते हैं, गरबा है, जो माता जी के चरणों में रखेंगे इसको, इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे, माता जी का आपको साक्षात दर्शन करवाएंगे, माता जी का आपको साक्षात दर्शन करवाएंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारी ध्वजा, जिस गरबे को हम लेके आए थे उसकी ध्वजा है ये, निखिल भाई के साथ है। तो दोस्तों फाइनल पहुंच चुके हैं, और पता नहीं यहाँ पे वीडियो शूटिंग अलाउड है या नहीं, वो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी शुरू हुई है, जब भव्य मंदिर बनेगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगा, और वहाँ पे भोजनालय बना रहा है, सब लोगों के दूर से जो यात्री आते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था यहीं पे होगी।
तो अभी हम लोग पावागढ़ में एक मंदिर था वहाँ पे माँ काली का, और अभी हम यहाँ पे है भद्रकाली माता के मंदिर के पास जो दूसरी साइड पे है। और यहाँ पे हमें बहुत सारे बंदर देखने को मिले हैं, और एक बंदर तो क्या बताऊँ, अभी देखो क्या है ये, देखो आ रहा है, आ रहा है ये देखो। हे मेरे तो पैर यार डगमगा रहे, क्या करूँ, अरे लाइट ही नहीं चालू है आटला आगे। तो दोस्तों मैं काफी देर से अपने फेस नहीं दिखा रहा था क्योंकि रात का सीन था, तो रात का मेरा फेस काहे को दिखेगा यार, रात में विदाउट लाइट कैसे दिखेगा। तो अभी ये आखिरी है पावागढ़ में, अभी हम लोग जाएंगे पहुंचा, वहां पे जाने के बाद कुबेर बंदर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक ब्लॉग में तो नहीं होगा, तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे जिसके बदौलत अच्छा होगा। ए भाई साहब तो कल हमारे एग्जाम है और आज हम लोग यहाँ पे है। पढ़ाई के नाम पे हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं, और फुल एंजॉय है भाई, लाइफ में मजा ही मजा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये बंदर के बच्चे हैं यहाँ पे बहुत सारे, ये देखो ये रहे। ले जो ले कई लेवा मैं नहीं था जो ला।